हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रफ्तार के बारे में। तो रफ्तार जो है वो प्रोफेसी के साथ में एक पिक्चर डालता है और कुछ ऐसा लिखता है, माय जी प्रोफेसी। इसके अलावा जैसे कि रफ्तार और कलमकार का कल एक शो होने वाला है, तो कुछ देर पहले उसकी साउंड चेकिंग चल रही थी, तो रफ्तार जो है वो लाइव आए थे कलमकार के साथ में। तो यहाँ पे आप लोग एक छोटी सी क्लिप देख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं आरसीआर के बारे में। तो आरसीआर का कल ट्रैक ड्रॉप होने वाला है जिसका नाम है मिट्टी, और ये सुबह 10 बजे देखने को मिलेगा उन्हीं के यूट्यूब चैनल से। इसके अलावा स्टार निक ने अपना ट्रैक अनाउंस कर दिया है जिसका नाम है रेड जोन, और ये होने वाला है खान म्यूजिक के साथ में। तो पोस्टर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो अब बात कर लेते हैं एमिवे के बारे में। तो एमिवे जो है वो कुछ ऐसी स्टोरी डालता है, थैंक यू स्वालिना एंड पूजा फॉर दिस केक, एल्बम आरे लाए। तो अब बात कर लेते हैं इक्का के बारे में। तो इक्का जो है वो लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम से, और वहाँ पे वो बात करते हैं इंडियन हिप हॉप सीन के बारे में। तो उनका क्या कहना है यहाँ पे आप लोग सुन सकते हो। दो गाली दे दो आप, अभी न्यूज में आ रहोगे आप हिप हॉप, चाहे कोई भी हो उठाई गिरा, कोई सा भी कोई उठाई गिरा हो भाई, तीन चीजें लिख दो फालतू, आप न्यूज में छा जाओगे। आप गाने बना लो, आप कोई कवर नहीं, कोई कुछ नहीं, फालतू लोगों के दो तीन लोग ही देखता रहता हूँ मैं। मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है यार, ये क्या खरीद रखा है, क्या पैसे ऐसे दिए जा रहे हैं क्या। मेरे ख्याल से तो पैसे दे रहा है भाई कोई पीछे पीछे ना। और लोगों को कुछ नहीं पता भाई, लोगों को कुछ नहीं पता, कोई भी कुछ भी बोल देता भाई, वो कॉपी है वो ये है। मैंने तो देख टोपी लगा लूंगा ना नाइकी की, अबे उसने नाइकी की कैप पहनी थी, तूने भी पहन ली, कॉपी हो गया। तो यूट्यूब पे आप न्यूज वाले देख लो, फिर कोई देख लो पेजेस, इतनी बुरी चीजों को कवर करते हैं ना भाई, जिनका सर पैर लेना देना नहीं है हिप हॉप से, जिसका लेना देना नहीं है उनको पूरा कवर कर रहे हैं उनकी चीजों को, स्टोरी स्कोरी और वो, जैसे पता नहीं है अंशुद क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, पेल रहे हैं भाई, कोई कुछ भी पेल रहा है, कोई भी कुछ भी पेल रहा है भाई। और लोगों ने बस कुछ लोगों को कुछ बना रखा है कि भाई यही है यहाँ पे हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है भाई। हिप हॉप सीन इतना वो हो चुका है ना नकली, यहाँ पे इतना नकली, इतना नकली, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि मतलब उन लोगों की बात हो रही है जो शायद जिनको म्यूजिक का ABCD नहीं पता, और लोग सोच रहे हैं कि यही मसीहा है, इन्होंने सब कुछ, ये गॉड है भाई इस चीज के, उन्हें कुछ नहीं पता भाई म्यूजिकलिटी ये और वो। एफर्ट नहीं चलते यहाँ, चलती हैं स्कीमें, यहाँ अच्छे गाने नहीं चलते हैं, चलवाए जाते हैं भाई, यहाँ क्वालिटी नहीं चलती, यहाँ आर्ट नहीं चलती, यहाँ चलते है बस मोनोपोली, यहाँ चलती है बस गुटबाजी, यहाँ चलती है बस रिश्तेदारियाँ। इसके अलावा रफ्तार का एक वीडियो देखने को मिला है जिसमें उनका कुछ ऐसा कहना है, खुद हंसी आती है, मैंने कहा यार बंदे क्रिएटिव बहुत है कि मतलब किसी के पीछे पड़ जाते हैं कि किसी भी तरीके से आपके नाक में दम करना है हमें, चाहे आप हमें जवाब ना दो पर हम आपकी नाक में दम करा देंगे। मेरे दोस्त यार, मैं तो मतलब अगर मैं इमोशन यहाँ पे बोल दूंगा तो उसके ऊपर नई खबर बन जाएगी, बट आई रियली हैव नथिंग टू गिव, यू नो व्हाट आई मीन, या नन ऑफ इट, आई रियली हैव नन ऑफ इट। और मतलब मुझे खुद मजा आता है यार, मैं जब मेरे ऊपर कोई मीम बन रहा है अगर वो मजेदार होना तो मैं खुद हंस लेता हूँ उस पर, मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता यार, जब भी पड़ोसी को है ना तो छोटा भाई बड़े भाई को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, I'm like really fine with it, man. I have fun with it. Chilled out and you know absolutely not giving a damn the exact vibe that I had of yours. I think you're proving that with every line of yours. हाँ मतलब यार तुम सोचो ना, मैंने बोला ना जब मैं खाली होऊंगा तो मैं सोचूंगा, अभी तो मुझे खुद हंसी आती है, मैंने कहा यार बंदे क्रिएटिव बहुत है कि मतलब किसी के पीछे पड़ जाते हैं कि किसी भी तरीके से आपके नाक में दम करना है हमें, चाहे आप हमें जवाब ना दो पर हम आपकी नाक में दम करा देंगे। Just that effort that somebody is putting in, कभी कभी देखो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी definitely ज्यादा हो जाता है, लोग करते हैं, and you know, but it's also up to you, आप कितना ignore कर सकते हो, वो क्षमता आपकी बचा के रखेगी आपको।
आपकी मेंटल सैनिटी को तो फर्श। एब्सोल्युटली। तो अब बात कर लेते हैं डिवाइन के बारे में। तो कश्मीर जो है वो डिवाइन के साथ एक पिक्चर डालता है जिसको डिवाइन जो है वो रीशेयर करता है अपनी स्टोरी में और कुछ ऐसा लिखता है, द मैन बिहाइंड मोस्ट ऑफ योर फेवरेट हिट्स। तो अब बात कर लेते हैं प्रदीप के बारे में। तो प्रदीप ने अपना एक ट्रैक ड्रॉप कर दिया है जिसका नेम है पैसा और ये देखने को मिला है आजादी रिकॉर्ड से। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, जाके आप लोग जरूर चेक करना। तो अब बात कर लेते हैं क्रू 172 के बारे में। तो क्रू 172 ने अपनी एक एल्बम अनाउंस कर दिया जिसका नेम है चंडीगढ़ हॉटेस्ट डुओ। तो इसकी दो साइड्स देखने को मिलने वाली है, साइड ए और साइड बी। तो टोटल इसमें 11 ट्रैक्स है और प्रोड्यूस्ड मिक्स मास्टर सब क्रू 172 का है। तो देखते हैं जैसे ये रिलीज हो जाती है मैं आप लोग को बता दूंगा। इसके अलावा नितेश एके निक का भी ट्रैक आउट हो चुका है जिसका नाम है सह गया, तो इसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हरजस के बारे में। तो हरजस और कलम इंक का एक ट्रैक आने वाला है जिसका नाम है नगमे। तो अब बात कर लेते हैं शेक्सपियर के बारे में। तो शेक्सपियर की तरफ से कुछ स्टोरीज देखने को मिली है जिसमें उनका ये कहना है कि एमसी स्टैन जो है वो बाहर के रैपर्स को कॉपी करता है और साथ ही उन्होंने यंग ठग की जो पंक एल्बम है उसका डिस्क्रिप्शन दिखाया है और एमसी स्टैन के जो इंसान एल्बम है उसका डिस्क्रिप्शन। तो दोनों ही डिस्क्रिप्शन काफी हद तक एक जैसे ही है। तो शेक्सपियर इस पे कुछ ऐसा लिखता है, जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ बींग अ कॉपी कैट। तो अब बात कर लेते हैं सेस के बारे में। तो सेस की जो चांद पार एल्बम आने वाली है इसकी डेट्स पता चल चुकी है, तो 24 मार्च को ये पूरी एल्बम ड्रॉप हो जाएगी। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।